इस तो कैसे आप लोग, मैं लेटेस्ट अपडेट लेके आ चुका हूँ मुकेश गहलोत जी की एंड वाधवा सर की, जिन्होंने मुकेश गहलोत जी ने हमें बताया है कि जिम के अंदर हार्ट अटैक कितने आते हैं, डेली हार्ट अटैक रेशियो क्या है, लंग्स फेलियर का रेशियो क्या है। तो आप वीडियो को जरूर देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो। सेकंड वीडियो होगी हमारी वाधवा सर की, जो आपको बता रहे हैं कि अगर आप जिम नहीं जाना चाहते तो किस तरह का लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हो, क्या रूटीन में अपने ऐड ऑन कर सकते हो। तो दोनों वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग गाइस। दोस्तों मैं अभी एक स्टडी देख रहा था जिसमें हार्ट अटैक से वर्ल्ड वाइड 80-90 लाख लोगों की डेथ हो जाती है। बड़ा शॉकिंग डाटा है। करीब 2.5 लाख लोग किडनी फेलियर से उनकी डेथ हो जाती है, और ऐसे ही लाखों लोग लीवर के फेलियर से भी जिनकी डेथ हो जाती है हर साल। अब बॉडी बिल्डिंग में या स्पोर्ट्स में जो लोग हैं उनका इसमें कितना परसेंटेज है, आप एक बार ये डाटा चेक करेंगे ना। मैक्सिमम लोग वो हैं जिनका बॉडी बिल्डिंग से या स्पोर्ट्स से कोई दूर दूर तक भी रिलेशन नहीं है। तो ये जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, लीवर का या किडनी का, ये किसी को भी हो सकता है जिसका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, जिसका ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, जिसका लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं है, जो एक्सरसाइज नहीं करते, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, या और भी रीजन्स हैं। क्योंकि अभी पीछे कुछ बॉडी बिल्डर्स के साथ भी ये मिस हैपनिंग हुई, तो बड़ा हल्ला होगा कि बॉडी बिल्डिंग डेंजरस गेम है। बिल्कुल नहीं, जो तो पैशनेट है गेम के लिए उसने गेम करना ही है। अगर रोड एक्सीडेंट होते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बाइक चलाना छोड़ देंगे या गाड़ी चलाना छोड़ देंगे। हाँ, प्रिकॉशन यूज करेंगे, आप बाइक चलाते हेलमेट लगा के चलाएं, स्पीड का ध्यान रखें, लेन में चलें, सेम गाड़ी में आप बेल्ट लगा के चलते हैं, यही स्पोर्ट्स में है। आप प्रिकॉशन के साथ चलें, अपनी बॉडी, जब आप देखो जब भी कोई हेल्थ इश्यू आएगा आपकी बॉडी साइन जरूर करती है, या तो आप खुद से रीड कर लेते हैं उस चीज़ को तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो रेगुलर हेल्थ चेकअप ये सबके लिए मैंडेटरी बताते हैं डॉक्टर आजकल। हर 6 महीने में अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं, ये आप गेम में है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हर एक के लिए जरूरी है। क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा है, खान पान ऐसा है, कुछ ना कुछ किसी ऑर्गेन्स में सबको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ हमारे यूट्यूबर्स भी हैं या कुछ जो हेल्थ फिटनेस से जुड़े हुए लोग, बड़ा अल्लाह मजा दिया कि बॉडी बिल्डिंग नहीं करना है या स्पोर्ट्स नहीं करना है, इसमें ये डेंजरस है। डेंजरस तो भाई वो लाइफ के हर फेज में, फिर आप पैदल चल रहे तब भी डेंजरस है, आप घर में बैठे तब भी अर्थक्वेक आ जाए बिल्कुल नहीं पता किसी को, वो भी डेंजरस है, फिर कहाँ कहाँ से बचेंगे। तो जो तो पैशनेट है गेम के लिए वो करेगा भाई। हाँ, अपना ध्यान जरूर रखें, रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहें, उसके अकॉर्डिंग अपने जो आपकी डाइट है या जो भी आपका ट्रेनिंग शेड्यूल है उसको रेगुलेट करते रहें। पर ये बोलना कि स्पोर्ट्स डेंजरस है, बिल्कुल नहीं। मैं फिर बोलूँगा, जिसको पैशन है स्पोर्ट्स का वो ज़रूर करेगा, आपके बोलने से फर्क नहीं पड़ेगा। और ज़्यादातर वो लोग हैं जो अल्लाह मचा रहे हैं, जिन्होंने कभी अच्छे लेवल का गेम किया भी नहीं। सही बताऊँ तो जो टॉप लेवल एथलीट हैं वो वैसे ही, जैसे आप रोज अपनी गाड़ी लेके निकलते हैं ना, आप देखते भी रोज एक्सीडेंट होते हैं रोड पे, लेकिन फिर भी आप निकलते हैं ना, क्योंकि आप भी पैशनेट अपने काम के लिए, आपके ट्राइब से पहुंचना है, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज करना तो अपनी गाड़ी उठा के चलते हैं ना आप। तो इसको स्पोर्ट्स से मत जोड़ो। मैंने जितना आंकड़ा दिया, लाखों लोगों का के साथ ये मिस हैपनिंग होती है ऑर्गेन फेलियर की, वो सभी स्पोर्ट्समैन नहीं है, बॉडी बिल्डर नहीं है, ये तो बड़ा छोटा सा एक संख्या है जो स्पोर्ट्स में भी कोई कोई, क्योंकि गेम में आने से पहले भी तो किसी को हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, उसने गेम स्टार्ट किया और वो हेल्थ इश्यूज के साथ ही गेम में आगे बढ़ रहा है। जो लोग नहीं गेम करते उनको भी आप हॉस्पिटल जाके देखे ना, कितने लोगों को ऑर्गन फेल होते हैं, उनमें बॉडी बिल्डर या स्पोर्ट्समैन कितने हैं, आप जाके खुद देखे, फैक्ट को चेक करें। तो ऐसे ही ये रूमर मत फैलाओ कि बॉडी बिल्डिंग डेंजरस गेम है या कोई भी स्पोर्ट्स डेंजरस है, बिल्कुल नहीं। आप गेम करें प्रिकॉशंस के साथ, जैसे लाइफ के हर फेज में आप कुछ ना कुछ प्रिकॉशन लेके चलते हैं, अपने बिजनेस में, पढ़ाई में, आप रोड पे चलते हैं तब, आप पैदल चलते हैं तब भी, घर में ही बैठे तब भी, तो ऐसे ही स्पोर्ट्स है। और मैं यही मैसेज है कि स्पोर्ट्स डेंजरस नहीं होता, बस वो आपका लाइफस्टाइल बताएगा। तो बिल्कुल भी इन बातों में नहीं आना है, मैं कुछ बिगनर्स हमारे घबरा जाते हैं, गेम को अच्छे से करो, गाइडेंस में करो, सही गाइडेंस में, और जो प्रिकॉशंस उनका ध्यान रखो, खान पान से लेके ट्रेनिंग तक। थैंक यू।
अगर आपको जिम जाना बिल्कुल नहीं पसंद और एक्सरसाइज का नाम सुनते ही मौत आती है ना, तो ये वीडियो है आपके लिए। बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि हम सब ले है ना एक्सरसाइज के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बना के रखे हैं हमारे दिमाग में। हमें ऐसा लगता है कि वर्कआउट का मतलब है फैंसी टाइट्स खरीदो, फैंसी कपड़े खरीदो, फैंसी जिम में जाओ, फैंसी वर्कआउट करो और बड़े बड़े जो डंबल्स पड़े होते हैं ना वो उठाने पड़ेंगे, वो जो एक्सट्रीम जो स्क्वाट्स लंजेस और पुलअप्स है वो करने पड़ेंगे। नहीं, वो है, वो इट्स जस्ट वन टाइप ऑफ वर्किंग आउट। वर्कआउट वर्ड को मूवमेंट से रिप्लेस करो पहले तो। वर्कआउट का मतलब सिर्फ वो नहीं है, वर्कआउट कैन वेरी वेल बी जस्ट गोइंग फॉर अ वॉक टू स्टार्ट विद। अगर तुम जीरो मूवमेंट कर रहे हो, तुम्हारे डेली चोर्स से थोड़ा सा ज्यादा मूवमेंट करना, इट कुड बी 45 मिनट्स अ डे, एंड वो वॉक से शुरू करके जॉग से लेके रनिंग से लेके बैडमिंटन टेनिस टेबल टेनिस। तुम अपना कुत्ता है तो उसके साथ वॉक पे चले जाओ, उसके साथ थोड़ी देर खेल लो, बच्चा है तो बच्चे के साथ खेल लो, तुम्हें डांस अच्छा लगता है तो डांस कर लो, योगा अच्छा लगता है तो योगा करो, जुम्बा करो। डांस अच्छा लगता है पर डांस नहीं आता है तो अपने रूम का दरवाजा बंद करके म्यूजिक लगा के नाचो। कौन अच्छा सारे जीभ फाड़ के, कोई नहीं देख रहा है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। बट यू नीड to move, and if you like going to gym then work out, but move, human beings are designed to do that, and ye video ne thoda sa bhi spark create kiya hai movement ke liye, to mujhe follow karo।